मैं तो आपका बेटा था ना, अगर आपको खैर से नफरत थी तो मुझसे तो नहीं थी ना, तो फिर ये सब क्यों किया आपने? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैंने तुम्ही से तो की है। ये कैसी मोहब्बत है मम्मी? आपने मुझे अपने बेटे को खत्म कर डाला, गुनेगार बना दिया सारी दुनिया के सामने, एक नाकाम और गुनेगार इंसान बना दिया आपने अपने बेटे को। अशर, मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की जिंदगी में हर चीज शानदार हो, मैं तो चाहती थी कि सब कुछ तुम्हारे मेयार के मुताबिक हो। कैसा मेयार? क्या है मेरी हैसियत? ये क्या आज मैं अपनी बीवी और बेटी दोनों के सामने मुजरम बना खड़ा हूं? ये कि मैं आज इन दोनों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं? जो इस बेकसूर लड़की के साथ जुल्म हुए उसके बारे में सोचता हूं तो दिल करता अपने आप को मार लूं। जो मेरे उमिया मेरी बेटी ने बर्दाश्त किए 4 साल के लिए, उसका सोच के अपने आप को मिटा देने को दिल करता है। अच्छा, किसी और बात पे यकीन मत करो, बस सिर्फ एक बात पे यकीन करना कि तुम्हारी इस मां ने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। आपके बताए हुए झूठ को सच मानकर अब तक जिंदा रहा, 4 साल इस कर्म में जिंदा रहा, लेकिन आज जो मैंने सच जाना है उससे जो आग लगी है वो किसी और ने नहीं, मेरी अपनी सगी मां ने लगाई है। बीवी तो धोखा दे सकती है लेकिन मां तो धोखा नहीं दिया करती। नहीं नहीं, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, ये सब झूठ बोलते हैं। मां से ज्यादा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। आपने तो मेरी दुनिया ही खत्म कर दी। जो चाहता है कि मेरा बच्चा मर जाए वो मेरी मां है, मुझे मार डाला। नहीं अशर, अशर मैंने नहीं मारा तुम्हें। आपने जिंदगी तो दी मुझे लेकिन जिंदगी ले भी ली आपने मुझसे। दूसरों ने मारा अशर, मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी को मेरी मां ने खत्म कर दी। मैंने नहीं किया ये सब कुछ, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। अपने बेटे को आपने मौत दे दी है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में ये साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीती मैं हारी।
जानती हो फरीदा मेरा बेटा क्यों रो रहा है? वो इसलिए रो रहा है कि उसे किसी और ने नहीं, उसकी सगी मां ने छोड़ना चाहिए। वो इसलिए रो रहा है कि आज वो ये यकीन को बैठा है कि उसकी मां उससे मोहब्बत करती है, और वो इसलिए रो रहा है कि अपनी मां को उसने जिस ऊंचे मकाम पर बिठा रखा था, उसकी मां उस मकाम से बहुत नीचे बस्ती में जा चुकी है। मेरी मौत की जिम्मेदार आप है वही दादी। अच्छा हुआ जोशर को आपकी घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चल गया। मेरे किरदार पर तोहमत लगा, मुझे बेआबरू कर, आपको क्या लगा अल्लाह आपकी पकड़ नहीं करेगा? देखा कैसा इंतकाम दिया है मेरे खुदा ने आपसे। आपकी जिंदगी का हासिल आपका अपना बेटा आपसे छीन लिया। नहीं। आप मेरे साथ ये क्यों कर रही हैं? मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? अशर को तो आ जाने दें प्लीज। अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लेना मत करो। मेरे बेटे का नाम लेना मत करो। लेकिन ये तो बताओ मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? जन्नत में जाओ। रात क्या, मैं तुम्हें एक मिनट अपने घर में नहीं रहने दूंगी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। दरवाजा खोले प्लीज। मैं इतनी रात को कहां जाऊंगी? अपनी बेटी को आपने मौत दे दी है। सारे अच्छे लिया नहीं सब सब इसको याद आ रहा होगा। अशर को तो और भी बहुत सुनाना चाहिए था। इसके साथ और बुरा होना चाहिए था। अशर ने क्या सुना था वो कि उसी दिन उसके बच्चे को मार देना चाहिए था? बोला तो सही उसने। मुझे भी पहले वो लगा जब मेरा ये निकला वो आपने अपने बच्चे को मार दिया। वो सुना रहा था। मुझे भी पहले लगा कि हाँ अब बता कि तूने वो सब सुना। वो सुनना उसके लिए कि एक तो कंश्योर है बट एक होता ना एक रियल ऐसे वो बिलीव नहीं होता है कि यार ऐसा है क्या, पक्का है क्या। तो किसी को कैसे बिलीव होगा उसके मॉम के बारे में ये सब? इसने सुन लिया वो चीज एंड आई थिंक अशर को सीरीज में कुछ ज्यादा ही वो जगह पे दिखाया जहाँ पे वो चीजें सुन लेता है, बहुत सारी चीजें सुन लेता है। पापा बड़ा हेवी एंड हो रहा है, वे लास्ट हाफ अच्छे से हो जाए यार। आई थिंक इसकी मॉम का यहीं पे ख़त्म हो जाएगा पार्ट, क्योंकि जैसे उनको दिखा रहे हैं पागल। बट इसको और तड़पना चाहिए बहुत रे। ये तो इजी वे आउट हो गया सुसाइड। आई थिंक इनको थोड़ा और सफर करना चाहिए। आई डोंट नो इफ ही सुसाइड करेंगे नहीं करेंगे। तो हाँ अगर वो दुपट्टे वाला सीन जो ऐसे दिखाया था वो सुसाइड बोल के ही दिखा रहे थे तो फिर तो अभी उसको ए भाई पंखा देख रही है ये लास्ट सीन में शायद। ये लास्ट सीन में शायद हमारे सामने वो लास्ट स्क्रीन चले जहाँ पे वो ऐसे देख रही है, चांसेस है पंखा देख रही हो। अरे तेरी अशर लेकिन अच्छा किया उसने
खिजत को कुछ और बोल के मुझे वही लगा। मैं एक बार कुछ सोची कि व्हाट इफ इन लोग ने सीन्स जो पहले के रिकॉर्ड कभी क्या पता बाद में डाल दिया हो गलती से या कुछ हो गया हो, बट देन लास्ट एपिसोड था इतना ही। हां फिर वही फिर मैं सोची कि कुछ होगा आगे उस तरीके से, बट अच्छा क्या वरना वो ये बोल के ना तो कभी नहीं आती उसी देर के बोले खाना ही नहीं खाती है तुरंत आ गई। कैसी तुरंत ऐसी उठ के आ गई, चलो मैं चलती हूँ। बस अरे बाबा आजकल बहुत हुआ हम सफर, अब बहुत ऐसे लोडेड, अब हमें फेरी टेल देख के थोड़ा लाइट होना पड़ेगा। जरीना ने अच्छा सुनाया, जरीना को आके मुंह पे भी सुनाना चाहिए ना। जरीना तो शादी चाटा मार देती ना, अब और कोई मार नहीं सकता, मार नहीं सकता, वही बात है ना। जरीना तो थप्पड़ देती, बस मजा आता उसके उसके लिए। सबसे बड़ा लॉस है जो सफरिंग आई थिंक जरीना की हुई है वो किसी और की नहीं हुई है, सबका भी अगर ये भी क्योंकि जरीना अकेली हो चुकी है। इवन अगर ये भी उसकी मॉम खुद को कुछ भी कर लेती है थोड़े टाइम तक सफरिंग रहेगी ऐशा रोड की, लेकिन आई डोंट थिंक सो लास्ट करेगा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा खुद का ये बना दिया है। अरे और मेन उसने अपनी बेटी को ऑलरेडी इतने साल सिर्फ सफर करते हुए देखा और वो वही, और ये भी कि मैंने क्यों ही उनका साथ दिया, सब कुछ उसके लिए बहुत कुछ हो गया है। बीच बीच में करेक्ट भी तो हो रही थी, वही वो बोलती थी बीच बीच में, इट्स जस्ट वो आई गेस ना, वही है ना, इसका नाम क्या है, ये फरीदा है, फरीदा। अरे वो क्योंकि बीच बीच में ऐसा ब्लाइंडेड हो रही थी कि ओके मे बी अब ये भी ऐसा फोर्स कर रही है टाइप का, एंड अब मेरी बेटी के लिए अगर ये काम कर जाए तो टाइप का, उसको रियलिटी चेक दे भी रही थी कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा, लड़के देख लेते हैं ये कर लेते हैं, ये लंदन निकलने वाली बात, ये आशिकी 2 में भी वही हुआ था ना, हम चले जाते हैं। आशिकी 2 का तो लेवल ही अलग था रुलाने में यार, बहुत दिन तक रही हूँ मैं बहुत रे वो आई नो भुला देना मुझे वो गाना मुझे तो ऐसे लगता है भाई खत्म, मेरा सर दर्द हो रहा है मेरे लिए, आज और नहीं देखा। ठीक है गाइस, आगे सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू।